मैं मानलगढ़ ब्लॉक के सभी स्कूलों में घूमता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा स्कूल मुझे विनोद बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक लगा। इसका परिणाम भी बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ कलात्मक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय में आर्ट एंड क्राफ्ट संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हम सब ये जानते हैं कि आज के समय में सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां ही एकमात्र आजीविका का साधन नहीं है, इससे अतिरिक्त भी हमें अन्य मार्गों की तलाश करनी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारी बालिकाओं के पास अधिकाधिक क्षेत्र उपस्थित हो जिनमें वो अपना भावी जीवन निर्धारित कर सकें। पहले भी बहुत अच्छा स्कूल था, पर अभी बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ है। हर सेशन में जैसे स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, स्कूल में बहुत ज़्यादा सब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पे प्रेयर में योगा इनसफिशिएंट रेफरेंस ऑफ सक्सेस, पर इसलिए सक्सेस के रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। इसने आगू बाजू देखा, ये भी सफल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मोल्ड द माइंड्स फॉर बेटर सिटीजनशिप। हमारी कोशिश है यहाँ पे गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे। लड़कियों को केवल टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जानकारियाँ ही नहीं दें, बल्कि जीवन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी। गत वर्ष इसी विद्यालय से मैंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। 10वीं कक्षा में मेरे 92.33% मार्क्स आए हैं। हमारे विद्यालय में साल भर एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, इवनिंग क्लासेस भी होती है, और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाता है। और मूल उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास का, और इसीलिए मैं और मेरे साथीगण, हमारा विद्यालय इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमारी बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए स्कूल में विभिन्न गतिविधियां तो आयोजित की जाती हैं। हम उनके शैक्षिक डेवलपमेंट के लिए उनका साप्ताहिक मूल्यांकन करते हैं, और उसमें जो कमियां पाई जाती हैं उनको लगातार सुधारात्मक तक की ओर ले जाते हैं। नियमित रूप से बालिका विद्यालय बिगोद में आता रहता हूँ, और हर बार में इसमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें शिक्षक के साथ साथ छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अनेक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। छात्राएं प्रतिदिन बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेल खेलती हैं। छात्राओं को योगासन के साथ साथ आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। वर्तमान में SPC भी चलाया जा रहा है। मैं कक्षा 9 की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, अब मैंने यहाँ न्यू एडमिशन लिया है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मेरी खेल कूद में रुचि है, तो यहाँ के मैम हमको बोलते हैं कि खेला करो। जीत की
की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ती है, गत वर्ष उसने 10 क्लास में बदानमक उनसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इस स्कूल में मास्टर लोग बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। विद्यालय हमेशा बालिकाओं के केंद्र में रहा है और विद्यालय की सोच है कि हर एक बालिका समाज में जाए, उससे पहले उसको पूरा आत्मविश्वास विद्यालय की ओर से मिले, जीवन के हर पहलुओं को छुए और उन्हें एक योग्य नागरिक और आगे जाके